इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, जो कि हम नहीं कर रहे। हमारा आधे से ज्यादा जीडीपी तो हमारा डिफेंस ले जाता है। इंडिया की बात करूँ, इंडिया ने जो 150 से कंट्री से ज्यादा को अपने चावल बेचता है। हमारे किसानों को फैसिलिटीज नहीं मिल रही, हमारे किसानों को पूरी फैसिलिटीज नहीं मिल रही सही तरह से फार्मिंग। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडिया जो है ना 150 से ज्यादा कंट्री में जो है ना राइस जो चावल रहता है उसको एक्सपोर्ट किया है। उन्होंने जो है ना एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इसके ऊपर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पाकिस्तानी लोगों से उनकी राय पूछी है, तो चलिए देख लेते हैं कि इस बात पे जो है ना पाकिस्तान की जो जनता है क्या बोल रही है। अगर मैं बात करूं ज़रई मुल्कों की, पाकिस्तान भी ज़रई मुल्क है, इंडिया भी ज़रई मुल्क है, और जो उनसे एशिया में आते तकरीबन जो कि हमारे हमसाए तकरीबन ज़रई मुल्क है, सब अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अपनी जो गंदम होती, चावल होती है, इसके अलावा भी जो भी अनाज होता है सब अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ होने के बाद भी अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहा, दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करता। वजह करप्शन, स्टॉकिंग करते हैं हम, जो भी हमारे पास मटेरियल है, रॉ मटेरियल आता है, उसे हम इलीगली तौर पे बाहर बेचते हैं, रिकॉर्ड्स में नहीं लाते, जिसे हम करप्शन कहते हैं जिसको हम। तो सीधी सी बात है, इसकी वजह से हमारे पास कोई लीगल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं होते और हमारा मुल्क डिक्रीज हो रहा है, मतलब इकोनॉमी में। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया ने जो 150 से कंट्री से ज़्यादा को अपने चावल बेचता है, 80% जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज जिनमें से दुबई भी शामिल है, सऊदीया भी शामिल है, जितनी भी मिडल ईस्ट कंट्री शामिल है, टोटली इंडिया से बाय करती हैं। पहले पाकिस्तान से करती थी। पाकिस्तान की अगर बात करो और इंडिया की बात करो, तो दोनों ही ज़रे मुल्क है, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस यही है, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन। बेशक इंडिया में करप्शन है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। उसकी कुछ सिटीज़ हैं जिसमें अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है उनके गवर्नमेंट्स ने, ठीक है, जिसकी वजह से आई थिंक उसमें करप्शन कम है। हमारे मतलब हम मुसलमान हैं बेशक, लेकिन एज अ मिनहसुल कौम हम ना अच्छे नहीं हैं खुद, तो पाकिस्तान इस हवाले से ना मैं कहता हूँ इसलिए करप्ट ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ मिडिल ईस्ट की, तो वो कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के चावल चाहिए। अगर मैं बात करूँ यूके की और दूसरी कंट्रीज़ की, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के चावल चाहिए। क्या वजूहत है? उनकी टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस है या उनको बनाने में डिफरेंस है? क्या वजूहत है? हमें प्रोडक्ट सेल करना नहीं आता। हमारे किसानों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, हमारे किसानों को पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही सही तरह से, फार्मिंग नहीं हो रही, ठीक है, लोन्स प्रोवाइड नहीं हो रहे, गरीब है हमारा किसान। जब गरीब होगा तो फिर प्रोडक्शन कैसे अच्छी होगी, आप बताएं ना। आप सही बात है, सही कह रहे हैं हम। हमने इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, इमरान खान साहब गए थे जी रशिया के पास, रशिया से कुछ साइन करवाए, कुछ ऑर्डर्स करवाए, इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो वो ऑर्डर भी गए। क्या समझते हो इंस्टेबिलिटी की वजह तो नहीं है कहीं हम दुनिया से बहुत पीछे हैं? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही पीछे हैं हम। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम इंडिया से कितने साल पीछे या आगे हैं? पीछे ही हैं, आगे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारी बैरूनी ताकतों में भी कभी आगे आना नहीं दिया। बैरूनी ताकतें जिसका मैं मानता हूं, थोड़ा सा मैं खिलाफ भी हूं इमरान खान के, लेकिन कुछ बैरूनी ताकतें हैं वाकई जो हमें ऊपर नहीं उठने दे रही, कुछ साजिशें भी हैं। आप समझते हैं कि बैरूनी ताकतें जैसे कि इंडिया और दूसरी कंट्रीज, अमेरिका हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल, इसीलिए वो साजिश। हाँ, एक इस्लाम के नैरेटिव को देख के भी, क्योंकि रिलीजियस भी आ जाता है एस्पेक्ट। हमें क्या, आपको नहीं लगता कि हमें इतना स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए कि उन सब के खिलाफ हमें साजिशें करनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, हमारा लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी पार्लियामेंट मजबूत होगी, ठीक है, वो अच्छा कानून बनाएगी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन फिर हमारे जजेस करेंगे, अच्छे जजेस अपॉइंट होंगे, तो ही हो सकता है बेहतर। आने वाला फ्यूचर क्या लगता है पाकिस्तान का? बेहतरी है, दुआ ही करनी चाहिए, बस दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी सब कुछ इंस्टेबल, आप हालात देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कि अटैक्स हो रहे हैं हमारे लीडर्स पे हो रहे हैं और बड़ी साजिशें हो रही हैं, तो दुआ ही कर सकते हैं बस। इंडिया हमारा पड़ोसी कंट्री, जिस किस्म से ग्रो कर रहा है, 5G लॉन्च कर दिया, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, बिल्कुल। क्या वो तो क्या वो अब ये कहता है कि पाकिस्तान हमारे दुश्मनी की भी लायक नहीं है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो कहता है कि दुश्मन बराबरी का होता है, क्या कहना चाहेंगे? हम बराबरी कर रहे हैं इस टाइम, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है, लेकिन हमें अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना चाहिए। इंडिया ने अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा किया है, उनके पास इंटेलिजेंस अच्छी है काफ़ी, मतलब कंप्यूटर साइंस में देखा जाए तो वो बहुत आगे हैं हमसे। उनका छोटे बच्चे से छोटा बच्चा भी ना अच्छी, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, ठीक है,
वो यूएसए के बाद अमेरिका के बाद जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? इंडिया में बोली जाती है। और वो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स का मजाक उड़ाते हैं कि इस जैसी आपने वो हमारा कौन सा प्लेयर है या जो आसिफ है इस जैसी इंग्लिश बोलते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं कि भाई इस जैसी इंग्लिश बोल रही है। तो इसलिए हम इंग्लिश में भी, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश का स्टूडेंट हूं तो मुझे इस चीज़ की कदर है। अगर मैं बात करूं विराट कोहली की तो वो बंदा नौवीं फेल है, नौवीं क्लास से भाग चुका था अपने एकेडमिक से, एकेडमिक एजुकेशन से, लेकिन वो उसकी फ्लुएंट इंग्लिश ऐसी है कि जिसके सामने मर्जी बोल लेता और बंदा इम्प्रेस कर देता। बिल्कुल, उनकी शुरू से ग्रो भी ऐसे होते हैं, वो बेशक स्टडी ना हो लेकिन इंग्लिश उनकी रगों में है। और इसी इंग्लिश की वजह से अमेरिका के में चले जाए बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ आप इनको पाएंगे, इंडियंस इंडिया के होंगे, इंडिया के होंगे भाई, गूगल देख लें, ट्विटर देख लें और इससे अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे ही है। इंडिया इस चीज़ में जा रहा है टॉप पे वाकई। हम कब जाएंगे? मेहनत करेंगे, होप फॉर द बेस्ट। चलें, बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक विद यू ब्रो। देखें हमारी तो अपनी किस्मत का सिक्का पीतल से कागज का हो गया और हमारा कौमी वकार आलमी बैंकों की शरायत तले दबके मर गया कि अफसोस सद अफसोस शाही ना बना तू, देखे ना तेरी आँख ने किस्मत के शोभा। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं जो कि हम नहीं कर रहे। हमारा आधे से ज़्यादा GDP तो हमारा डिफेंस ले जाता है, ठीक है, एजुकेशन नाम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, नाम ज़रात पे खर्च कर रहे हैं, नाम टेक्नोलॉजी पे खर्च कर रहे हैं, तो पीछे यही होना है जो आजकल हो रहा है। बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान ज़रई मुल्क है भाई, अगर हम देखो पिछला अगर थोड़ा सा टाइम पीछे चला जाए, जब हमारी आबादी कम थी तो हमारी जो ज़रई ज़रूरियात थी वो पाकिस्तान खुद पूरा कर लेता था, पानी भी हमारे पास वाफर मकदार में होता था। जब से इंडिया ने बंद लगा दिए, डैम बना दिए, पानी भी बहुत कम आ रहा पाकिस्तान के अंदर, और इसी वजह से हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है। इंडिया हर किस्म की टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा पानी देने के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा खाद देने के लिए, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा जिसने अपने जो उनसे किसान है उसको फैसिलिटेट किया। हमने अपने किसानों के लिए क्या किया ये तो बता दें ज़रा। देखें जैसे कि आप पानी का इशू बता रहे हैं, पानी का इशू तो सिर्फ उसकी एक ही उसका सोल्यूशन है, वो है कि आप डैम्स बनाएं। कल अब डैम बन रहा था तो उसे KPK वालों ने कहा कि हमारे ऊपर पानी चढ़ जाएगा, सिंध वालों ने कहा हमारा दरिया सिंध खुश्क हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इंटीरियर इतने मसाइल हैं कि हम हमारी खुद में नहीं बन रही, हर पार्टी के पास एक एक सूबा है, ठीक है, उनकी वो ذاتی مفاد کے لیے اپنے اناؤں کے لیے۔ تو دیکھیں یہاں پہ پچھلے 20-25 سال میں جو بھی سیاستدان آیا ہے ملک کے لیے نہیں کام کیا، ہر کسی نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے کام کیا ہے۔ سو دیکھیں فرسٹ آف آل جب تک عوام میں شعور نہیں ہوگا وہ گھروں سے نہیں نکلیں گے، وہ اپنے لیے نہیں بول پائیں گے، نتھنگ از گوئنگ ٹو چینج کنٹری۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے گربان میں جھانک کے دیکھنا ہوگا، بعد میں ہم کسی اور کو بلیم کر سکتے ہیں، دوشی چڑھا سکتے ہیں۔ اگر میں بات کروں زرعی ملک ہونے کے بعد بھی ہم اپنی ضروریات پوری نہیں کرتے، باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ رشیا کے پاس گئے، عمران خان صاحب معاہدہ کیا، سستا چاول مل رہا تھا، سستا گندم مل رہا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جب حکومت چینج ہوئی تو وہ بھی ختم کر دیا، وہ جو انہوں نے ڈیل کی تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ ابھی اگر میں بات کروں تو انڈیا کے ساتھ اگر ہماری دوستی ہو جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے، صلح نامہ سائن ہو جاتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ لینا دینا جو ان سے ہمیں جو ان سے امپورٹ کے اندر دوسری کنٹری سے منگواتے ہیں، ڈیوٹی ٹیکس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہمیں ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ خرچہ بن جاتا ہے، اگر ہم انڈیا کے ساتھ کریں تو کیا وجوہات لگتی ہیں؟ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سارے فیسلٹیڈ ہوں گے دونوں کنٹریز؟ بالکل دیکھیں اگر انڈیا کے ساتھ ہم اپنے تعلقات اچھے کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اس سے فرسٹ آف آل ایک تو ہمارا ٹریولنگ کا خرچہ بہت کم ہوگا، اس کے علاوہ جس طرح فلم انڈسٹری ہے اسپیسیفکلی ان کی فلمیں ہمارے یہاں چلے گی، ہماری فلم انڈسٹری ان کے ہاں ایکٹیو ہوگی، تو اسی بالکل بہت زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن یہ پاسبل دیکھیں اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے، اس کے ساتھ بہت سے ممالک کے مفاد جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ابھی کے لیے اٹس امپاسبل۔ کیا وجوہات ہے کیوں نہیں ہو سکتا آپ کو؟ چلے میں آپ سے ایزی کر دیتا ہوں، نریندر مودی ایز اے پولیٹیشین اور ایز اے ہیومن کیسے ہیں؟ انہیں دیکھیں دا بچر، دا انٹرنیشنل بچر آف گجرات کا لقب دیا گیا ہے، جب انہوں نے
गुजरात में अपनी बनाई हुई कोर्ट्स में मुसलमानों को कन्विक्टेड करार दे के, जहाँ पे यू नो थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम वीमेन वर रेप, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रंस बिकेम ऑर्फन। देखें, वो एक जालिम तरीन शख्स है, ठीक है, जो अजल से जुल्म ढाता रहा है और अब तक ढाता रहेगा जब तक वो गवर्नमेंट में उसके पास पावर। वाह भाई साहब, कर दी ना आपने पाकिस्तान वाली बात, पाकिस्तान के जो सच्चे नागरिक हो ना, इस टाइप की बात आपने कर दी। आप बोल रहे हो कि हमारी जो मोदी सरकार है, जो हमारे मोदी जी जी है ना, वो गुजरात में जो किस टाइप से मुस्लिम लोगों के ऊपर अन्याय करते हैं, क्या क्या करते हैं, किस तरह की ये छोटी मोटी खबरें जो है ना आप लोगों के दिमाग में कौन भर लाता है, ये बात समझ में नहीं आता। आपकी जो मीडिया और आप लोग जो है ना, आपकी सोचने की जो ये है ना, इसके अलावा दूसरी कोई नहीं है। इसी वजह से जो है ना आपका देश दुनिया में सबसे नीचे गिर रहा है, ये बात तो तय है भाई साहब। जो इस तरह इस टाइप की सोच, देखिए आपने पहले स्टार्ट में किस टाइप के बड़े बड़े बातें किए और बाद में किस टाइप की सोच आपकी दिखा दी, ये तो जाहिर सी बात है भाई साहब। इसी वजह से आप लोग पीछे पड़ रहे हो। मतलब कि आपको लगता है कि हमारे एंड से कुछ नहीं होता, जो भी होता उधर से होता है? हमारे एंड से भी होता है, डेफिनेटली होता है। देखिए, ताली हमेशा दोनों हाथों से नहीं बजते। एग्जैक्टली, हमारे नबी जब दुनिया में आए तो उन्होंने हमें क्या सिखाया था? उन्होंने हमें ये सिखाई, इंसानियत सिखाई, मोहब्बत सिखाई, प्यार सिखाया। जब आपको लगता है कि जब आप किसी को खुदा को बुरा नहीं कहोगे, अवश्य वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा, कुरान मजीद में भी ये इरशाद है। बिल्कुल, असल में यह है कि अगर ये कहने की नौबत आती नहीं है जब आपका दीन आपके कैरेक्टर में होता है, ठीक है। जॉन बर्नार्ड शॉ की एक कोटेशन है, वो कहते हैं कि आई सॉ इस्लाम इन द वेस्ट बट आई डिडंट सॉ एनी मुस्लिम, आई सॉ मुस्लिम्स इन अरब बट आई डिडंट सॉ इस्लाम देयर। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने कैरेक्टर में अपने इस्लाम को ढाना पड़ेगा ताकि हमें तनकीद करने की नौबत ही ना आए हमें। बहुत जबरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू ब्रो। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में जो पाकिस्तानी लोगों ने रिएक्शन दिया है उसको तो आपने देख ही लिया, लेकिन इस वीडियो में कोई लोगों ने क्या है, जो पाकिस्तान की रियलिटी, जो सच्चाई है वो बता दी है। उन्होंने बता दिया कि वहाँ की जो सरकार और वहाँ की जो सियासत है ना, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती। इसी वजह से जो है ना ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये रियलिटी है, ये लोगों ने बता दिया। एक भाई साहब ने तो ये भी बता दिया कि किस टाइप का करप्शन जो पाकिस्तान में चलता है, ये भी ये भाई साहब ने बता दिया, और ये बात सच्चाई भी है। और एक भाई साहब ने पूरा सच्चाई बता दी, लेकिन लास्ट में जो है ना, किस टाइप से हमारी जो मोदी सरकार है ना, उस किस टाइप की सोच लेके इनके दिमाग में चलते है, यही एक रीजन है जो ये दुनिया में आगे नहीं बढ़ पा रही। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी लोगों ने रिएक्शन दिया है उसको देखने के बाद आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और मुझे दे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।